हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल अटरम चटरम पे बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अंकित गंगवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड एंड अट्रैक्टिव रेज्यूमे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेज्यूमे में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, उसमें क्या पॉइंट्स एलिमिनेट कर देने चाहिए, क्या अनवांटेड पॉइंट्स हैं, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं आप उस रेज्यूमे में डालते वक्त करते हैं, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जब भी आप कोई जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई नया ऑफर के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो किसी भी आप एम्प्लॉयर के कनेक्ट में आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एम्प्लॉयर के सामने आपका इंट्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, आपके रेज्यूमे के थ्रू। सो रेज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। अगर आपका रेज्यूमे इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, कैची नहीं लगेगा, आई कैचिंग लगेगा, सो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ यू बीइंग सिलेक्टेड ओवर इट। सो योर रेज्यूमे बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रेज्यूमे। Resume basically represents you. It helps the employer to know you better. It helps the employer to know your writing skills and also your academic and professional background. So, आगे देखते हैं। अब हम ये पहले analyze करते हैं। जब भी आपका एक interview होता है, आपके interviewer आपके resume के बारे में क्या देखना चाहता है? उसके सबसे पहले आपके resume में वो क्या देखता है? प्लीज अंडरस्टैंड, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब पे अप्लाई करने वाले आप अकेले आदमी नहीं होते हैं। वहाँ पे उसी जॉब के अप्लाई करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने अप्लाई किया होता है। सो एक इंटरव्यूअर एक एवरेज 6 to 10 सेकेंड्स ही स्पेंड करता है एक रेज्यूमे को समझने के लिए और उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। अगर आपका रेज्यूमे उन 6 से 10 सेकेंड में अंदर अगर आपके इंटरव्यूअर को कैची नहीं, आई कैची नहीं दिखा या फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ यू बीइंग रिजेक्टेड ओवर। सो यू हैव टू इंश्योर कि आपका रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से एक इंटरव्यूअर बिकम इंटरेस्टेड इन यू, उसके अंदर आपके बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए उसके मन में आनी चाहिए। ओके, सो प्लीज इंश्योर कि आपका रेज्यूमे टू दी पॉइंट हो, शॉर्ट एंड स्मूथ हो। उसके अंदर लंबा लंबा लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इट शुड नॉट बी लॉन्ग एंड बोरिंग, इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी एंड टू द पॉइंट। सो अब आगे देखते हैं कि एक रेज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो कोई भी रेज्यूमे का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। हर रेज्यूमे का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, बट व्हाट इज अ जनरली एक्सेप्टेड रेज्यूमे स्ट्रक्चर। आप ये देखिएगा, हर एक जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से रेज्यूमे मॉडिफाई किया जा सकता है। सो मैं आपको यहाँ जो बताऊंगा वो एक जनरली एक्सेप्टेड रेज्यूमे का स्ट्रक्चर है। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, आप अपने एंड पे कर सकते हैं एज पर द जॉब, एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर द क्वालिफिकेशन दैट यू हैव, बट यहाँ पे एक जनरलाइज स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द फ्लो ऑफ अ रेज्यूमे स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका आता है नेम एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज अगर वो नंबर नेम और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेक्ट नहीं है, आपका रेज्यूमे अगर अच्छा भी हुआ तो भी एक इंटरव्यूअर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, आपकी एक कोई प्रोफेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ क्वालिफाइड CA एंड CS, सो आई कैन मेंशन नेम अंकित गंगवाल और उसके नीचे लिख सकता हूँ माई CA मेंबरशिप नंबर, माई इंस्टीट्यूट मेंबरशिप नंबर और माई क्वालिफिकेशन लाइक CA और CS और LLB और BCom और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, उसके साइड में आपको लिखने पड़ते हैं आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका करंट मोबाइल नंबर आना चाहिए, आपका प्रेजेंट मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आने चाहिए, आपका ईमेल आईडी आना चाहिए, आपकी कोई प्रोफाइल्स हो जो लिंक्डइन पे जिसके वजह से आप सब्सटैंशिएट कर सकें वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई फोटोग्राफर हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम का वेबसाइट वेब पेज के बारे में बता सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर्स हैं तो आपके कोई प्रोफाइल्स किसी जो वेबसाइट पे बनी हुई हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। डू रिमेंबर, आपका जो ईमेल आईडी होता है वो ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी लाइक ankit_smart007@gmail.com, दिस डजंट वर्क। आपका ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल होना चाहिए, जस्ट लाइक ankitgangwal@gmail.com और ankitgangwal@hotmail.com, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो एक प्रोफेशनल लगे। ओके, सो
The next point that comes in your resume structure is your career objective. आपका करियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. सो इन योर करियर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू मेंशन दैट यू वांट टू यूज योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर हार्ड वर्क फॉर द कंपनीज ग्रोथ एज वेल. यू नीड टू मर्ज योर बोथ योर एक्सपीरियंस योर स्किल्स अलॉन्ग विद योर कंपनीज ग्रोथ एंड बेटरमेंट इज हियर. तो आप यहाँ पे बताइए कि आप अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान ओवर हियर, बट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैनर ऑफ 2 to 3 lines, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन योर रेज्यूमे स्ट्रक्चर इज योर प्रोफेशनल साइनोप्सिस. प्रोफेशनल साइनोप्सिस इज नथिंग मोर जस्ट अ ब्रीफ वेरी शॉर्ट ब्रीफ समरी ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड करियर. ओके, सो अगर आपके पास ये नहीं है, आप फ्रेशर हैं, यू कैन एलिमिनेट दिस पॉइंट, बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल डू मेंशन दिस. आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका करंट जॉब कौन सा है, आप वहाँ पे एज अ डेजिग्नेशन क्या काम करते हैं, उससे पहले आपने क्या काम किया था, वहाँ पे क्या डेजिग्नेशन था, और उससे पहले आपके स्टार्टिंग ऑफ द करियर कहाँ से की थी. सो यहाँ पे बेसिकली एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये मेंशन करना था कि आप आज की तारीख में किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हैं और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर चुके हैं. तो नेक्स्ट कम्स इन योर एक्सपीरियंस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेस्ड ऑन दिस आपका रेज्यूमे एक अच्छे ग्रोथ पे या अच्छे टर्न पे जा सकता है. इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास सबसे पहले कितने जॉब एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं. अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस एक या दो जॉब का ही है पहले का, तो आप उसके अंदर अलग अलग जॉब विद देयर टेन्योर, आपने वहाँ पे कितना टाइम से काम किया है और उसमें वहाँ पे क्या क्या काम किया था वहाँ पे वैसे मेंशन किया जा सकता है. बट अगर आप ये बोलते हैं कि आपके पास मोर देन 3 companies, 4 companies का है और हर कंपनी में बेसिकली आप यू कैन से यू आर ग्रोइंग, तो यू मस्ट बी डूइंग द अदर कंपनीज वर्क ऑलरेडी ओवर देयर. तो हर बार उस वर्क को रिपीट करने में कोई सेंस नहीं बनता एंड योर रेज्यूमे लुक्स ओवरलोडेड. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा टेबल बनानी चाहिए जहाँ पे आपका रेज्यूमे में दिखे कि आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने टाइम तक काम किया है, एंड देन इन अनदर टेबल विच शोज व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू हैव डन एंड व्हाट इज द थिंग्स दैट यू हैव बीन एंड व्हाट आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव बीन परफॉर्मिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन करेंटली एंड इन योर पास्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. ओके, नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ वो ही ज़्यादा मेंशन करेंगे जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो और जिसका आपके पास एक्सपीरियंस हो. अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर अगर इंटरव्यूअर ने इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया है, तो डू नॉट हाईलाइट दैट अलॉट, उसके अवॉइड कीजिए. आपके अगर उस क्वेश्चन के बारे में अगर इंटरव्यूअर ने पूछा एंड यू आर अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, आपके लिए नेगेटिव रिमार्क्स ले सकता है कि इंटरव्यू के अंदर. तो प्लीज इंश्योर आपके रेज्यूमे में आप मैक्सिमम पॉइंट्स वही इंक्लूड करें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट. आफ्टर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे, नाउ यू नीड टू मेंशन योर एकेडमिक एक्सपीरियंस इज वेल. ओके, एकेडमिक एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपने आज तक लिए हैं. बट प्लीज डू इंश्योर कि आप उसमें बहुत ज्यादा ब्रैग ना करें. अगर आपने CA की डिग्री ले रखी है या फिर आपने MBA की डिग्री ले रखी है, तो यू डू नॉट हैव टू मेंशन योर 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड उसके बारे में आपके कितना स्कोर था एंड यू कैन अवॉइड दैट. ओके, सो आप सर्टिफिकेशंस पे फोकस करें जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिल सकता है, जहां पर आपको प्रोफेशनली आपको उसकी हेल्प मिले. सो फोकस ऑन दैट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन इज योर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल. सॉफ्टवेयर प्रोफाइल मीन्स आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेशंस और नॉलेज है. इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड एंड दिस डिजिटल वर्ल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द कंप्यूटर्स एंड यू आर अनअवेयर अबाउट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर्स, योर प्रोफाइल गेट्स अ लिटिल वीकर हियर. तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपने वहाँ पर जो भी सर्टिफिकेशन किए हों, कोर्सेज किए हों, आपको जो भी नॉलेज है सॉफ्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स एंड देयर वर्किंग, प्लीज़ मैंशन ओवर देयर. Some examples of software profile you can mention is you are proficient with Microsoft Excel and Microsoft Word or Microsoft Point. Have you been working on any softwares in your company? Have you been working on SAP? If you are working on SAP, it also gives you an edge over other people on this. If you have been working on any other softwares, please do mention that. So now come to the last part of the resume structure, that is your awards and recognition. आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने आप के बारे में ब्रैग करने का. सो आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा कि आपको आज से पहले क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या रिकग्निशन हुए हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग योर
लाइफ टाइम ओवर हियर, बट प्लीज स्टिक इट टू अ पॉइंट, डू नॉट क्रॉस इट अ लॉट. ओके, सो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज किया है फॉर एनी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, फॉर एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर ऑफ द ईयर, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया, कोई अवार्ड्स मिले हैं, इफ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. लाइक यू आर अ ब्लड डोनर और यू आर एक्टिविस्ट विद फॉर प्लांटेशन एक्टिविटीज एंड समथिंग ऑफ दैट, और आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं. ओके, सो वहाँ पर आप मेंशन कीजिए अवार्ड एंड अचीवमेंट्स. Please remember, do not put in your extra personal details in your resume, like your date of birth, your marital status, your religious or political views, or something like that. Doesn't matter. और अगर by chance आपके political views और आपके interviewer के political views match नहीं हुए, या religious views match नहीं हुए, it can come negative to you as well. So please avoid those things. Do not put in your images or photos on your resume. It gives a negative impact over there. So friends, now we are going to look what are the common mistakes that you might do in your resume, what are the do's and don'ts that you should take care aapke resume ko banane se pehle. So here we can see what are the do's and don'ts that you should take care of when you are preparing a resume, starting with your email ID. As mentioned earlier, your email ID must be a professional email ID. It should not be a vague email ID as mentioned over here, ankit_smart007. Doesn't look good. Make it a professional email ID. Okay. Next comes in your font. आपका किस font में आपने resume को prepare किया है? आपका resume should not be in very italics or something like very cursive और ऐसा नहीं होना. एक professional code होता है, हर organization follow करते हैं. तो आपका एक particular code के अंदर ही, font के अंदर ही आपका resume बनना चाहिए. Okay, so I have mentioned some of font that you can see over here. Next comes in font size. आपका font size जो होता है वो should be properly visible. And generally accepted font size is between 10, 11 or 12. आप 10 से नीचे जाते हैं तो वो हो सकता है कि सामने वाले को easily visible ना हो, और 12 के ऊपर जाते हैं तो बहुत shabby लगता है. Please ensure कि आपका font size 10, 11, 12 के बीच में है. Then you need to see your text alignment. आपका जो भी रेज्यूमे बना जा रहा है उसके अंदर जितना भी आपने इसको कंटेंट लिखा है वो सब लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, अदर देन द टेबल. अगर आपका सारा का सारा लेफ्ट अलाइन नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता. टेबल के अंदर यू कैन मैनेज थिंग्स, जो आपके हेडिंग्स हैं वो आप लेफ्ट अलाइन लिख सकते हैं. अगर उसके कोई डिटेल्स हैं, कुछ हैं, नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप उसको सेंटर अलाइन या फिर लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन करके भी लिखा जा सकता है. देन कम्स इन योर फाइल नेम. फाइल नेम शुड नॉट बी नेम्ड बाई द नेम ऑफ रेज्यूमे. किसी भी एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं. अगर आप उसके अंदर सिर्फ रेज्यूमे के नाम से लिख के आपको फाइल को भेज देंगे, ही विल नॉट बी एबल टू सर्च इट इन फ्यूचर. ओके, सो प्लीज यूज अ पर्टिकुलर नेम एंड देन रेज्यूमे, जस्ट लाइक आई मेंशन ankit_gangwar_resume. सो इफ द इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू सर्च इट बाई माई नेम, ही विल बी एबल टू डू. नाउ विच फॉर्मेट डू यू यूज? जनरली एक PDF फॉर्मेट में रेज्यूमे शेयर किए हुए बहुत प्रोफेशनल माने जाते हैं. वर्ड फाइल्स भी एक्सेप्टेबल हैं, बट आई विल इन माई ओपिनियन आई एडवाइस प्लीज यूज अ PDF फॉर्मेट ओनली. डू नॉट गो फॉर अ वर्ड फॉर्मेट और अ PPT और एन एक्सेल, इट डजेंट लुक गुड. ओके, नाउ द वन एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू इंश्योर इज योर रेज्यूमे शुड नॉट बी मोर देन अ पेज और अ टू मैक्सिमम. अगर दो पेज के ऊपर आपका रेज्यूमे है तो इट डज नॉट लुक गुड, यू गेट रिजेक्टेड. मेरे पास एज एन एम्प्लॉयर, इफ आई से एज एन इंटरव्यूअर, आई डू नॉट हैव टाइम टू गो फॉर 3 pages टू अंडरस्टैंड यू एंड देन मे बी रिजेक्ट यू. आई विल नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर रेज्यूमे. सो प्लीज इंश्योर आपका रेज्यूमे 2 pages के अंदर अंदर ही हो. एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, प्लीज इंश्योर ही सिंगल पेज के अंदर ही आए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड इज कि आप उस पर जितने ज़्यादा नंबर्स का यूज में लेंगे उतना ही बेटर दिखेगा. First, for example, if you are a sales representative, then you can mention that I was able to increase the sales by this much number in a particular quarter or particular year. Just by mentioning I am a sales representative in this company doesn't help. Agar aap aapke numbers kar denge, it will give you an added advantage. Also, try and use as much as bullet points. Paragraphical formats mein mat likhiyega. Itne bade bade essays nahi likhe jate hain resume ke andar. Keep it short, crispy. एंड इंश्योर दैट वहाँ पे जितने भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो एक बुलेट फॉर्मेट के अंदर आपने मेंशन किया.
Now, when your resume is complete, do not just send it across. Please let someone to read it, proofread it. He will be doing it from a third person's view. He will be able to understand it better. कि आपने उसमें क्या लिखा है या फिर आपने क्या mistakes किए हैं. So, proof, get it proofread from another person. And one and the most important thing is never lie on your resume. अगर आपने कोई चीज़ नहीं की है और उसने आपने वहाँ पे लिखा है तो प्लीज़ डोंट डू दैट. आप हो सकता है अभी आप बच जाएंगे लेकिन आपके बाद में अगर जब भी आप यू विल गेट कॉट इट विल बी अ ब्लैक रिमार्क ऑन योर करियर. इट यू मे लूज योर करंट जॉब बट इट मे ऑल्सो इम्पैक्ट योर फ्यूचर जॉब इज वेल. सो नेवर 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 लाई ऑन योर रिज्यूमे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू इन स्ट्रक्चरिंग योर रिज्यूमे. आपका रिज्यूमे बनाने में मैंने कुछ तो हेल्प करी होगी. Do let me know your thoughts and views by commenting in the comment section below. Also, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. Do subscribe to my channel and show us your support. Thank you very much. Have a good day.